हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिलेंडर और पॉइंट चार्ज और उन सब के बारे में जो गाउस लॉ है उसको अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाई थी। आज की जो क्लास है उसमें हम उसी गाउस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एक फुटबॉल है और फुटबॉल जो होता है वो अंदर की साइड से खोखला होता है, होलो होता है, दैट मीन्स हम उसको एक होलो स्फेयर बोल सकते हैं। और फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे अपना तरबूज है, तरबूज का एग्जाम्पल लूँ, तरबूज में जो बीज होते हैं उनको हम एक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं। तो जो होलो स्फेयर है हमारा फुटबॉल, अगर उसको मैं चार्ज देता हूँ तो वो कंडक्टिंग, उसको कंडक्टिंग स्फेयर ले सकते हैं हम लोग। उसको अगर मैं चार्ज देता हूँ तो उसका जो चार्ज है वो कंप्लीट सरफेस के ऊपर, कंडक्टिंग होने की वजह से कंप्लीट सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर, होमोजीनियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर। अब दूसरी जो चीज़ होती है उसके अंदर, अगर हम देखें तरबूज वाला एग्जाम्पल, तो उसके अंदर सरफेस के बजाय उसके अंदर की साइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्ट लाइक ए सीड्स ऑफ तरबूज, तरबूज के जो बीज होते हैं ना उनकी तरह से, ठीक है। तो एक तरबूज जो है उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसका जो चार्ज है वो सरफेस पे नहीं आएगा, वो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की तरह बिहेव करता है। और जो दूसरे वाला फुटबॉल का एग्जाम्पल है वो कंडक्टिंग स्फेयर की तरह बिहेव करता है, हम उसको सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेल बोल सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक इन्हीं दोनों जो सिचुएशन है इनके ऊपर ही बेस्ड है। अब देखो हमारा जो टॉपिक है आज वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज ऑन कंडक्टिंग सेल, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हम सबसे पहले एक सेल बनाते हैं। देखिए जैसे हम लास्ट क्लासेज में भी सोल्व करते थे उसी तरीके से हमने एक सेल बनाया इस तरीके से। ये लीजिए एक सेल बनाया हमने, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से ये इसकी रेडियस है R, ठीक है, ये R रेडियस है। इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस तरीके से, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, देखते जाइए आप। ये सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसको सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस किया था। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं वो होती है रो, तो यहाँ पे सिग्मा से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई आपका सेल है, कंडक्टिंग सेल, और इस कंडक्टिंग सेल के लिए अब हमने क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है P। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है P, ये कोई पॉइंट है आपका P, और इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस को हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। अब ये जो P पॉइंट है इस सेंटर O से R डिस्टेंस पे है, तो इसी तरीके से हमें गाउशियन सरफेस अज्यूम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। तो उस गाउशियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों की सिमेट्री होनी चाहिए, ये बात मैं पिछले 10 दिन के लेक्चर्स में आपको बार बार बता रहा हूँ। दोनों के अंदर सिमेट्री होनी चाहिए और सिमेट्री तभी होगी जब ये R जो है ये हर पॉइंट के लिए यहाँ पे इक्वल हो। तो ये P पॉइंट यहाँ होगा तो भी ये डिस्टेंस R होगी, यहाँ होगा तो भी R होगी, यहाँ होगा तो भी R होगी, यहाँ होगा तो भी R होगी और यहाँ होगा तो भी R होगी। तो इस तरीके से हमने एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम कर लिया है, इस तरीके से हमने एक गाउशियन सरफेस को यहाँ पे अज्यूम कर लिया है ऐसे। ये लीजिए हमारा गाउशियन सरफेस है, इसको मैं बता देता हूँ गाउशियन सरफेस, ये हमारा गाउशियन सरफेस हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हमें सिमेट्री को चेक करना है और सिमेट्री को चेक करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं और इस होलो स्फीयर या इस सेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है,
ये हो गई है, यहाँ से ऐसे इसको दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा सकते हैं अपन। तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है E, और यहाँ पे अगर आप एक सेगमेंट लें DS सेगमेंट, तो उसका एरिया वेक्टर जो है वो भी है इसी साइड में, ये इस तरीके से, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल आ गया। अब अगर इस पॉइंट पे चेक करें हम लोग तो सिमिलर चीज आएगी, देखिए ये एरिया वेक्टर और ये ई वेक्टर, ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सिमिलरली दिस वन एंड सिमिलरली दिस वन, दिस वन, दिस वन, दैट मीन्स ऑल एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट मतलब इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हम लेंगे उस हर पॉइंट के लिए हमारे पास जो थीटा और ई की सिमेट्री है वो सेम बनी रहेगी। ये नोट करने वाली चीज है, तभी हमने इसको एक गाउसियन सरफेस यहां पे अज्यूम किया है। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखते हैं यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या है। अगर हमने इसको कंप्लीट चार्ज क्यू दिया, कितना चार्ज दिया? क्यू। फुल चार्ज जो है इस सेल का वो कितना है? हमने क्यू मान लिया है। अगर क्यू इसको दिया गया चार्ज है, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्यू क्या है? फुल चार्ज, फुल चार्ज गिवन, फुल चार्ज गिवन है, ठीक है। और ए इसका एरिया हो, क्या हो? ए इसका एरिया हो, ए क्या है? एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है? 4πr² स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में यहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम इसको सिग्मा से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? सिग्मा से। और इसको क्या बोल देंगे? एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या बोल देंगे इसको? एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी ये बोल दिया इसको, ठीक है। ये हमारा डायग्राम जो है वो बनके तैयार हो गया है। इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम बन गया है, डायग्राम में हमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे बन रही है वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब सरफेस के रेडियली आउटवर्ड है, इस तरीके से चारों तरफ बन रही है। और क्या है? और हमने जो पॉइंट लिया है यहां पे पी पॉइंट, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द सेल है। कहां है? आउटसाइड द सेल। तो इस सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम तीन अलग अलग पार्ट्स में फाइंड आउट करेंगे, आउटसाइड द सेल, सर ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल। मतलब ये पॉइंट आउटसाइड हो गया, फिर यहां पे सरफेस पे निकालेंगे और फिर इनसाइड में कोई पॉइंट हम ले सकते हैं यहां पे, उसके ऊपर निकाल के देखेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारा इसका पूरा जो प्रोसेस है वो। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप बनाए थे, चार स्टेप बनाए थे हमने इसके सॉल्यूशन के लिए, गाउसेस एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहली स्टेप को हम फॉलो करते हैं, नंबर वन स्टेप। नंबर वन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इसको गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं और उसका स्टेटमेंट हम यहां पे नोट करेंगे। कंसिडर ए गाउसियन सरफेस, कंसिडर ए गाउसियन सरफेस, कंसिडर ए गाउसियन सरफेस, ए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मतलब सेंटर दोनों का सेम ही है, इसका भी और इसका भी, दोनों का। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, शो दैट पी पॉइंट लाइज, कहां पे लाई करेगा? लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है,
जो सरफेस बनाया है ना हमने गाउसियन सरफेस, उसके ऊपर पी पॉइंट लाई करेगा। अब देखिए ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड एज इफ, एज इफ कंप्लीट, कंप्लीट चार्ज Q, ये मैंने लिखा है यहां पे फुल चार्ज, दैट मीन्स कंप्लीट चार्ज, Q इज प्लेस्ड, Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर एट द सेंटर ऑल एवरी पॉइंट, ऑल एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, ऑफ सरफेस, ऑफ सरफेस द एंगल थीटा, द एंगल, एंगल थीटा कौन सा एंगल है, वेक्टर ई एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल है, इज जीरो, इज जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने गाउसियन सरफेस को अज्यूम कर लिया और उससे रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपको वर्बली बताई थी उनको हमने यहां पे नोट कर लिया है। अब देखिए आप कहां पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट बनाया आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर निकाल रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालते थे, फ्लक्स को कैलकुलेट करते थे गाउसियन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स को, तो हम लिखेंगे यहां पे कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके लिए इक्वेशन होती थी वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इसमें हम कितने सरफेस एक्स्ट्रा अज्यूम करेंगे, सोच के देखिए जरा, एक भी अज्यूम नहीं करेंगे, ये पूरा सिंगल सरफेस ही यूज हो रहा है यहां पे, थीटा की वैल्यू और ई की वैल्यू पूरे सरफेस पे इक्वल बनी हुई है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा सरफेस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहां पे। अगर यहां पे मान लीजिए कि इस जगह थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और फिर किसी दूसरे सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू चेंज हो गई और ई की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, उस केस में हम दो जितने सरफेस बनते हैं उसके हिसाब से हम उसको अज्यूम करते हैं, लेकिन यहां पे सिंगल ही है तो सिंगल ही रहेगा, तो उस सिंगल के लिए हमने क्या लिखना है यहां पे, हमने लिखना है यहां पे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ये बना दिया। अब थीटा की वैल्यू यहां पे आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 डिग्री, देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस का क्लोज इंटीग्रल, ये कॉस 0 क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 हो गया है यहां पर, ठीक है, ये बन गया। अब देखो E तो कांस्टेंट बना हुआ है तो E को तो हम एज इट इज रख देंगे, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू E तो बाहर आ गया और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है हमें ds का, तो इस कंप्लीट सरफेस का, और ये सरफेस स्फेरिकल है जिसका एरिया हमने लिखा है ये 4πr², तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन 4πr² हो गया इज इक्वल्स टू E इंटू 4πr², ये आपकी सेकंड स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, देखिए थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में गाउसियन सरफेस के अंदर इनसाइड द गाउसियन सरफेस चार्ज कितना है ये बताते थे, तो इसके अंदर हमने चार्ज इसको कितना दिया है, क्यू दिया है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो क्यू चार्ज क्यू का क्यू ही रहेगा यहां पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड द गाउसियन, गाउसियन सरफेस कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू, कितना हो गया है क्यू हो गया है,
ठीक है, ये वाला सिस्टम हो गया। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इस डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप को फॉलो करते हैं, फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है गॉस थ्योरम आपकी, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है ये, और q की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज तो क्या बन जाएगा, e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, E इज इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है P पॉइंट के ऊपर आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब इसको आप अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू K Q ओवर r स्क्वायर, ये भी आपकी इक्वेशन बन सकती है क्योंकि ये के इक्विवेलेंट होता है। अब सुनिए आप ध्यान से, ये इक्वेशन आपने पहले भी कहीं देखी होगी, जानी पहचानी सी लग रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल ये इक्वेशन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया था पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब फाइंड की थी तब ये इक्वेशन हमारे पास में आई थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेल है आपका, जैसे ये आपका सेल है, इसके ऊपर चार्ज, इस तरीके से चार्ज दिया गया है, ये चार्ज गिवन है यहाँ पे ऐसे, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है, और ये आपने गाउशियन सरफेस अज्यूम किया यहाँ पे, ये स्मॉल आर है, ये आपका पॉइंट पी है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो चार्ज है सरफेस के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये कंप्लीट चार्ज, अगर इस चार्ज Q को अगर हम इस सेंटर के ऊपर रख देते हैं तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही मिलनी है, और अगर हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा ये R और एक और यहाँ से R डेस रेडियस का गाउशियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, तो भी आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम की सेम ही मिलनी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें क्लियर हो रही है। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, दैट मीन्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R माइनस स्क्वायर के, है कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे सामने निकल के आई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा अगला जो पॉइंट है ये तो हो गया आउटसाइड द सेल, अब सरफेस के ऊपर आते हैं हम लोग, किसके ऊपर आते हैं, सेल के सरफेस पे। तो सरफेस पे आएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं मैं, सरफेस के लिए देखिए, जैसे हमारा जो डायग्राम था उस डायग्राम के ऊपर इस तरीके से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था इसके ऊपर। ठीक है, आपका पॉइंट था P यहाँ पे इस तरीके से, और ये R डिस्टेंस थी, और ये आपका गाउशियन सरफेस बना था। अब इस गाउशियन सरफेस को हम छोटा करके ला रहे हैं, इधर लेके आए इस पॉइंट पे, थोड़ा इधर ले आए, फिर इधर ले आए, जैसे जैसे हम R को रिड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही हम इस पी पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, मान लीजिए कि हमने वेरी क्लोज टू दी सरफेस गाउशियन सरफेस को इसके बहुत ही क्लोज में ले लिया है,
ऐसे बहुत क्लोज में ले लिया है गाउसियन सरफेस. दैट मींस स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर और आर इज इक्वल्स टू आर, ऐसे भी ले सकते हैं. तो इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम इस केस में जो मिली है, कितनी मिली है आपको इस केस में, ई इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल क्यू ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिली है आपको. इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे हम कैपिटल आर से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर. ये आपके सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गई है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इनसाइड द सेल. ठीक है, इनसाइड द सरफेस और इनसाइड द सेल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको समझना है हमें. देखिए करते हैं कुछ, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है. अब की बार जो मैं आपको बता रहा हूं इनसाइड द सेल और इनसाइड द सरफेस, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारे लिए पॉइंट है. इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है हमें. और गाउसियन जो थ्योरम है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था, या फिर आउटकम्स भी बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट आउटकम्स था उसके लिए. तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इनसाइड द सरफेस नंबर थर्ड, दो तो हो चुके हैं, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर की साइड में. ठीक है, अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं यहां पे. जैसे ये आपका सेल है, इसमें इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये लीजिए, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे. ठीक, और ये है इसका सेंटर. कॉन्सेंट्रिक बनाना है तो सेंटर भी लेना पड़ेगा, और ये इसकी रेडियस है आर. ठीक, अब हमने इनसाइड द सेल यहां पे कोई पॉइंट ले लिया पी, और ये डिस्टेंस मान ली हमने स्मॉल आर, और इस पॉइंट को हम यहां पे गाउसियन सरफेस को अज्यूम कर लेते हैं. ऐसे ही सेम का सेम प्रोसेस लगाना है आपको. इस तरीके से हमने गाउसियन सरफेस को अज्यूम कर लिया यहां पे, और लिख देंगे यहां पे लिख देंगे ए गाउसियन सरफेस इज ड्रॉन द पी के ऊपर ड्रॉन किया है. ठीक है, ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू में क्या करते हैं आप लोग, चार्ज को बताते हैं. चार्ज क्यू विद इन गाउसियन सरफेस, चार्ज क्यू विद इन गाउसियन सरफेस कितना होगा, जीरो होगा. देखिए गाउसियन सरफेस कैसा है, ये जो सेल लिया है हमने ये कैसा है, जस्ट लाइक ए फुटबॉल. फुटबॉल के जब हम उसका चार्ज, उसके क्यू चार्ज देंगे, तो उसका पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आएगा, अंदर की साइड में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. तो अंदर की साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स जीरो है यहाँ पे. ठीक, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पे जीरो चार्ज है तो आपका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स भी जीरो ही होगा. देन आप क्या लिख सकते हैं, देन क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखेंगे. ठीक है, देयर फोर ई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, सोचिए जरा. ई देखिए ये जीरो आया है तो इसकी वैल्यू भी जीरो ही आएगी. ई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जीरो वैल्यू आई आपके पास किसके अंदर, इनसाइड द सेल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है. तो आप क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल ऑफ चार्ज कंडक्टर इज जीरो. आप यहां पे लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल
इनसाइड ए सेल ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये कैसा है, कंडक्टर था कि नहीं था, मैंने बताया था आपको। इज जीरो, चार्ज जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीटली यहां पे जीरो हो गई है। ठीक, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप। अब हमने तीन कंक्लूजन पढ़े हैं, फर्स्ट वाला आउटसाइड द सेल, सेकंड वाला सरफेस ऑफ द सेल, और थर्ड वाला इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक ग्राफ को ड्रॉ करें और उसमें दो चीज दिखाएं, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे एक लाइन बनाई मैंने, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सिस और ये है आर डिस्टेंस के लिए एक्सिस, ये है आपका जीरो जीरो पॉइंट। ठीक है, तो इसके सेंटर पे आपके पास में देखिए जरा ध्यान से, ये है जीरो जीरो और ये है आपका आर। आर मतलब इन दोनों के बीच की जगह क्या होगी, इनसाइड द सरफेस होगी, इनसाइड द सरफेस। और ये है आपका कैपिटल आर, ये होगी आउटसाइड द सरफेस, ये वाली जगह। ठीक है, आर कैपिटल से और स्मॉल आर की तरफ जब हम जाएंगे तो आउटसाइड द सेल, और जीरो से कैपिटल आर के बीच की जो स्पेस है वो किसको डिनोट करती है, इनसाइड द सेल को डिनोट करती है। ठीक है, तो अब देखिए, जीरो जीरो पे मतलब सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। ठीक है, और फिर यहां से हमने बढ़ना शुरू किया, इस तरह बढ़ना शुरू किया, बढ़ते गए, यहां भी जीरो, 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 और ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर की साइड वाला जो पॉइंट है, मतलब उस फुटबॉल के अंदर की साइड वाला जो पॉइंट है, वहां भी जीरो होगी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पहुंचेंगे आप, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स ये पॉइंट, मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो रहेगा, इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया। ठीक, अब उसके बाद में बाहर का जो पॉइंट था, ये पॉइंट था यहाँ पे P, उसकी डिस्टेंस थी R, तो उसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे R इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रिड्यूस होती जाएगी। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक लाइन मैक्सिमम के लिए दिखा दी और उसके बाद में जो लाइन बन रही है वो ऐसे बन रही है, और इसको आप दिखा सकते हैं E इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए, और थोड़ा आपको बताता हूं मैं, उसमें क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग सेल लेते हैं, जैसे मैंने आपको तरबूज का एग्जांपल बताया था, तो उसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये बताता हूं आपको। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है अपनी, उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर ऑफ चार्ज। जैसे हमारे पास स्फीयर है और उसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, ये लीजिए, हमारे पास में कोई स्फीयर है, इसके अंदर इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक वाटरमेलन एंड सीड्स ऑफ द वाटरमेलन इज द चार्ज पार्टिकल इन दिस, सेम एज दिस वन। ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, आर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इन दैट वे, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस केस के अंदर आउटसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी
वो कैसी होगी? वो सेम एज दैट ऑफ दी सेल, सेल के लिए जो आई थी वैसी की वैसी ही होगी, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे नंबर वन पॉइंट, और सबसे पहले डिनोट कर दिया आउटसाइड द, आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट के लिए कितनी आएगी, उसमें सेल में कितनी आई थी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0.Q/r2। ओके, कैसी है? सेम एज दैट ऑफ सेल। ओके, ज्यादा सोचना ही नहीं है, इतना ही करना है हमें इसके अंदर, ठीक है। सेम की सेम आएगी, वैसी की वैसी। और अगर इसको सिंगली पूछ लिया जाए, भाई इसको ही पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपने सेल के लिए जो गाउशियन सरफेस अज्यूम किया था वैसे ही सेम गाउशियन सरफेस अज्यूम करेंगे। सेकंड पॉइंट में फ्लक्स निकालेंगे, थर्ड में चार्ज निकालेंगे, फोर्थ में गाउस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अभी ये दोनों साथ में ले रहे हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब सरफेस के लिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है वो ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0.Q/R2। ये भी कैसा है? सेम एज दैट ऑफ सेल, सेम एज दैट ऑफ सेल, वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब बदलेगी कुछ चीज, नंबर थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट में इनसाइड द सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि अंदर की साइड में वहां पे चार्ज नहीं था, लेकिन इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर इनसाइड में इसके चार्ज है, तो हम थर्ड स्टेप निकाल रहे हैं, और थर्ड स्टेप के लिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। चलिए इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी डायग्राम को देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास में एक इस तरीके से सेल है, अरे थोड़ा बड़ा बनाना था, सॉरी छोटा हो गया, ऐसे बना दिया, ये लीजिए, ठीक है। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है R। अब इसके अंदर इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हमने इसके अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने इनसाइड ये कोई पॉइंट लिया P, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि डिस्टेंस है यहाँ से स्मॉल R। तो हम एक गाउशियन सरफेस को अज्यूम करते हैं इस तरीके से, ये लीजिए गाउशियन सरफेस हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ठीक है। अब इस गाउशियन सरफेस को भी अगर हम देखते हैं, तो पहले वाला जो सरफेस था उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरीके से है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे है, ये लीजिए, तो इसकी भी ऐसे ही होगी और यहाँ भी ऐसे ही होगी। तो ये पॉइंट जो आपने लिया है, इस पॉइंट को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0°। सिमिलरली दिस पॉइंट एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, मतलब ये जो गाउशियन सरफेस हमने अज्यूम किया है, इस गाउशियन सरफेस पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए थीटा और ई की वैल्यू हमारी सेम आएगी और वो सिमेट्री को शो करेगी, इसलिए हम यहाँ पे गाउशियन सरफेस को अज्यूम कर सकते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट था आपका इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं अभी। और हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, ड्रॉ गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस को ड्रॉ किया जो कि कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक विद रेडियस स्मॉल r एंड p लाइज ऑन इट, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे केस में हम इसका क्या निकालेंगे,
फ्लक्स निकालेंगे दूसरे केस में। तो दूसरे केस में फ्लक्स निकालेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड केस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस की वैल्यू, तो वो आ जाएगी ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। बट थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री एंड कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू वन, देयर फोर ई डी एस इज इक्वल्स टू ई डी एस, इस तरीके से। E कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू E कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन करना है, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r रेडियस हो गई, ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया यहां पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, किसकी कैलकुलेशन करनी है, चार्ज की। यही इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इसके अंदर चार्ज जो है वो वॉल्यूमेट्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो। इसका वॉल्यूम अगर वी है, ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कंप्लीट चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी, क्या होगी, रो इंटू वी। तो मैंने लिखा यहां पे चार्ज इनसाइड द गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस, ठीक है, और उसको मैंने दिखा दिया यहां पे स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू रो वी। रो क्या है, रो है पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये है। तो पर यूनिट में इतनी है तो कंप्लीट वॉल्यूम में कितनी होगी, रो इंटू वी, और क्यू चार्ज जो है इस कंप्लीट को तो कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया था, लेकिन अंदर वाले का चार्ज हमने क्या मान लिया, स्मॉल क्यू, तो ये लिख दिया हमने, ठीक। अब आपको पता है ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, सिंस v इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ये होता है, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, देन देयरफॉर q इज इक्वल्स टू रो इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब, ये बन गया आपका चार्ज। अब अगर कंप्लीट चार्ज के लिए क्या करें, कंप्लीट चार्ज के लिए इक्वेशन लिखें, तो Q कैपिटल रो एज इट इज इंटू 4 बाई 3 पाई भी एज इट इज, R की जगह कैपिटल R क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ये कंप्लीट चार्ज के लिए हो गया, ठीक है। अब चार्ज भी निकल के आ गया, अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं यहां पे क्या लिखते हैं, नंबर 4 पॉइंट, अप्लाइंग गॉस थ्योरम ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी एस की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये यहां पे पुट कर दीजिए, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये लिख दीजिए, रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया। अब इसको इधर ले जाइए, या फिर यहीं से काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से क्यूब कट गई, देन e इज इक्वल्स टू आ गया रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई आपके पास, आई कि नहीं आई, सोचिए, ठीक है, यही आएगी, इसको फाइनल इक्वेशन दे सकते हैं आप। इसमें एक चीज क्लियर हो रही है, वो क्या है, देखिए यहां पे R प्रोपोर्शन है, R सॉरी E जो है वो प्रोपोर्शन है स्मॉल R के,
ई किसके प्रोपोर्शन है, स्मॉल आर के, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे ई की वैल्यू इंक्रीज होती है, दैट मीन्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सेंटर से, दैट मीन्स इस जीरो जीरो पॉइंट से हम लोग सेंटर की तरफ जाएंगे, मतलब सेंटर से दूर सरफेस की तरफ जाएंगे, इस स्फेयर के सरफेस की तरफ जाएंगे, तो हमारी जो ई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब यहाँ पे पॉइंट है तो ई अलग होगा, कम होगा, यहाँ पे आया तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट पे आया तो और ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट पे आया तो और ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अगर स्मॉल आर किस तरफ मूव कर रहा है, कैपिटल आर की तरफ, तो E की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन छोटी छोटी बातों पे ही क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, और आप जब एग्जाम देने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये तो सब कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं है कहाँ से आ गया, ठीक है। जबकि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सिर्फ इस डेरिवेशन पे ही ध्यान देते हैं, जो छोटी छोटी बातें जो कंक्लूजन आपको बताए जाते हैं उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आप लोगों का। तो ये E इंक्रीज होगा जब R, स्मॉल R किस तरफ मूव करेगा, कैपिटल R की तरफ, और सरफेस पे जाएगा तो E की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज आ गई आपके पास, ओके। अब अगर सरफेस के लिए निकालें, देखो इस केस में अगर सरफेस के लिए निकालें तो मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगी आपके पास वैल्यू। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सरफेस के लिए तो जस्ट अभी बोला था कि ऑन दी सरफेस ये होता है, बोला था कि नहीं, मैंने खुद ने आपको बोला है कि इस केस में ऑन दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एज दैट ऑफ ए सेल, सेल के बराबर ही होती है, इतनी होती है, लेकिन इसमें तो इतनी आ रही है, तो गलती है क्या? नहीं है गलती, इसमें जितनी आ रही है उतनी ही इसके बराबर ही आ रही है, लेकिन हमें समझने में थोड़ा फेर है। वो क्या है, अगर हम यहां पे रो की वैल्यू पुट कर दें, और रो की वैल्यू कौन से वाले रो की, रो की वैल्यू कौन सी रो की वैल्यू जिसमें कंप्लीट, इस सरफेस को लिया गया है तो कंप्लीट चार्ज क्यू को कंसिडर करेंगे आप, तो कंप्लीट चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है, ये, तो रो की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग। देखो मैं करके बताता हूं आपको, देखिए इसको इरेज कर देता हूं, अभी बताता हूं आपको। देखिए जरा अभी पता लग जाएगा कि आप कंफ्यूज मत हो, ये यहां से ये क्यू की वैल्यू है, तो रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको गिवन है क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। इस रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू, और ये 3 ऊपर चला गया, अपॉन 4π r³, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक। ये रो की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे हम लोग तो देखेंगे, दे E इज इक्वल्स टू रो की जगह लिखा 3q अपॉन 4π r³ और इंटू आर अपॉन में 3 ε₀, यही तो है। R से ये कैंसिल हो गया तो यहां स्क्वायर बच गया, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, E इज इक्वल्स टू 3q अपॉन 4π, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 4π r² इंटू 3 ε₀, ऐसे लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, E इज इक्वल्स टू 1 upon 4π ε₀ .q upon r². देखिए जरा वो की वो वैल्यू आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई है, ठीक है। तो हमने कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं की है, ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं, ये वाली और ये वाली दोनों ही सिमिलर हैं, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम। तो 1 upon 4π ε₀ .q/r² इज इक्वल्स टू होता है रो आर अपॉन
थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है, इक्वलेंट है ये, ठीक है, ऐसे समझना है हमें। अब और आगे चलते हैं हम लोग, अब और आगे चलें तो थोड़ा कंक्लूजन हमें देखना पड़ेगा, वो क्या है। अभी अभी एक कंक्लूजन मैंने आपको बताया, ये देखिए इसमें E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, स्मॉल R के। अब देखिए सेंटर के ऊपर E की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होगी, और फिर सेंटर से हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी और सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, और फिर सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, कम होने लग जाएगी। कुछ समझ में आया आपको? अरे कुछ समझ में आया, जब हम बाहर की तरफ जाते हैं आउटसाइड में तो हमारे पास इक्वेशन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक, ये वाली, और अगर हम सरफेस पे जाते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन है ये वाली सरफेस के लिए, अभी बनाई मैंने, ये बनाई, ठीक है, इसमें आर प्रोपोर्शनल है ई के। ये देखिए यहां पे लिख देता हूं, ई और आर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और अगर हम अंदर की साइड में कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके उस केस में भी हमारे पास में ये सिचुएशन आ रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अरे कुछ समझेगी नहीं। अब देखो इसके लिए भी हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ग्राफ क्या होगा वो देखिए मैं बताता हूं आपको, ग्राफ बनाते हैं यहां पे। ग्राफ में एक सेकंड, माइक को थोड़ा सेट करता हूं, ग्राफ बनाना है हमें। देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, जो अभी अभी हमने बनाया था उसी तरीके से, ये लीजिए हमने ये लाइन बनाई, एक ये लाइन बनाई, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम दिखा रहे हैं डिस्टेंस को, और इस लाइन के ऊपर हम दिखा रहे हैं ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके, ये आपका 0-0 पॉइंट है, ये आपका कैपिटल आर है, थोड़ा सा और आगे बना देता हूं, यहां है आपका कैपिटल आर और यहां है आपका स्मॉल आर, ठीक है, ये जो एरिया है जीरो से कैपिटल आर के बीच का, इसको बोलते हैं इनसाइड द सरफेस। ये कौन सा एरिया है? इनसाइड द सरफेस। और कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का जो एरिया है ये है आउटसाइड द सरफेस, ये आउटसाइड द सरफेस वाला एरिया है आपका, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से, कैपिटल आर मतलब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक, कैसे मैक्सिमम होती है कि जीरो, हमने देखा था कि E जो है वो स्मॉल r की तरफ अंदर की साइड या बाहर की साइड में जब हम लेते हैं तो उस केस में वो r जैसे जैसे स्मॉल r जैसे जैसे कैपिटल R की तरफ चलता है वैसे वैसे E की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, तो जो ग्राफ मिलेगा हमें वो इस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए ये आपका पीक पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये कैपिटल R आ गया, सपोज कीजिए ऐसे, और ये आपकी आ गई E मैक्सिमम, ये एक लाइन मिली हमें, और इस लाइन में हमें जो इक्वेशन मिल रही थी वो थी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अब R मैक्सिमम होने के बाद में हम आउटसाइड पे पॉइंट बनाते हैं, और उस आउटसाइड पे जब हम पॉइंट बनाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है E की वो डिक्रीज होने लग जाती है, और दूसरा जो ग्राफ है वो बनेगा आपका ऐसे, और इसको हम लिख सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बताइए जरा आपको समझ में आया कि नहीं, ये ग्राफ बना हमारा। ये जो ग्राफिकल मेथड से दो ग्राफ बनाए, दो इमेजेस बनाई हमने, इनसे जो कंक्लूजन हमें मिल रहे हैं उन कंक्लूजन्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब अगर हम सोचें तो ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपका P था यहां पे,
तो हमारा जो गाउसियन सॉरी जो सरफेस था हमारा जो स्फेयर का उसका ये रेडियस थी उसकी, तो यहाँ पे हमने एक रेडियस वाला ऐसे सरफेस बना दिया। अब अंदर की साइड में ध्यान से देखिए आप, अंदर की साइड में हमने कोई पी पॉइंट लिया था जिसकी रेडियस थी स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर है इसके लिए हमने ये सरफेस बना दिया। बाहर की साइड में हमने कोई एक पॉइंट लिया था आउटसाइड में और उसकी डिस्टेंस भी हमने आर मानी थी, तो ये एक और गाउसियन सरफेस बना दिया। अब देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा क्या किया है हमने, देख लीजिए अच्छे से कौन सी सिचुएशन में क्या होना हो रहा है। समझ में आ गया? तो आज का अपना ये लेक्चर था और ये कंप्लीट हो चुका है आपका, ऑलमोस्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो लेसन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी जो एक्सरसाइज है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में ही बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही हमारे दोनों लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन के वो दोनों के साथ साथ करवा दूंगा, ताकि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते जाएंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट से हम टॉपिक का जो सॉल्यूशन है और टॉपिक से जो रिलेटेड जो फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा रिवीजन हो रहा है इसके अंदर, इसलिए पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और खूब पढ़ते रहिए, ठीक है? फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।